गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.2। जैसे कि आपने पिछले जो वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक कर लिया है, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए, जो जिन दो फार्मूलों की हमने बात की थी कि सारे क्वेश्चंस आपको उन्हीं दो फार्मूलों से करने हैं, आज भी आप देखेंगे कि सिर्फ उन्हीं दो फार्मूलों का इस्तेमाल आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हम सब में यही करने वाले हैं। देखिए, पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन में क्या करना है ये हमें सोचना है कि क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या चीज़ निकालना है। तो देखिए, अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें क्या है कि प्रॉफिट और लॉस के ही जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम ये करेंगे। अभी देखिए, एक क्वेश्चन में दो दो आर्टिकल हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि एक में आपको प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में लॉस हो रहा है। तो देखिए, ओवरऑल हमें क्या करना है कि बिजनेस में एक जो शॉपकीपर होता है वो कई तरह से बिजनेस को करता है। उसके बिजनेस में कभी उसको लॉस होगा, कभी उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन ओवरऑल उसको बिजनेस में क्या हो रहा है ये भी वो कैलकुलेट करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको भी करनी है। जैसे दो आर्टिकल है, एक को हमने प्रॉफिट पे सेल किया और दूसरे को लॉस पे सेल किया, बट ओवरऑल जो हमें बिजनेस में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये निकालना हमारा काम है और यही देखना हमें। तो दोनों का देखिए, उन्हीं दो फार्मूलों का यूज़ करके एक को प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर लेंगे कितने पे सोल्ड आउट हुआ, दूसरे को लॉस पे कैलकुलेट कर लेंगे कितने पे सोल्ड आउट हुआ। और इसके बाद ओवरऑल जो टोटल आपका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था और टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, इन दो चीज़ों पे आपको सिर्फ इन दो चीज़ों पे आपको कैलकुलेशन करना है और इसके बाद वो क्वेश्चंस आपका आसानी से आ जाता है। तो चलिए, आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अ VCR एंड अ टीवी वर बॉट अ VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर रुपीज 8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो देखिए, अभी हमने समझाया था कि आपको यहाँ पे दो आर्टिकल आ जाते हैं, तो टोटल देखिए उन दोनों में क्या उनका कॉस्ट क्या हुआ ये हमें देखना है। CP प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP इक्वल टू SP। देखिए, इन्हीं दोनों फार्मूलों का, और दूसरा फार्मूला था हमारा CP माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP इक्वल टू SP। इन्हीं दो फार्मूलों को यूज़ करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पहले कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है VCR का, ये 8,000 है, और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है टीवी का, ये भी 8,000 है। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया था कि टोटल आपको बिजनेस में कितना, यहाँ पे देखिए सिर्फ दो आर्टिकल दिए, अगर आपके 10 आइटम्स दिया 10 आर्टिकल दिए होते तो सबका उन 10ों का हम कॉस्ट प्राइस ऐड कर देते और उसके बाद जितने भी 10 आइटम्स हैं उनका सेलिंग प्राइस निकाल लेते। कुछ उस पे लॉस होता, कुछ आर्टिकल पे लॉस हो सकता था, कुछ पे प्रॉफिट हो सकता था, बट सबका SP निकालने के बाद फाइनल जब हमें बिजनेस में एक बार ये देखना है कि ओवरऑल क्या हुआ, तो ओवरऑल जो वर्ड है ये इम्पॉर्टेंट है कि बिजनेस में हमने कितना मनी इन्वेस्ट किया था, कितना हमारी जेब से पॉकेट से गया था, और उसके बदले में सेल करने के बाद कितना हमारी पॉकेट में वापस आ रहा है, मींस सेलिंग प्राइस कितना है, और कितना हमने खर्चा किया था, मींस SP कितना, CP कितना था उसका। तो ये दो चीज़ें मायने रखती है और इससे आपका कैलकुलेशन हो जाता है। फिर देखिए, आप सिंपल सा है, इसमें आपका यूनिटी मेथड यूज़ कर रहा है, आप इन्हीं दो फार्मूलों से सिर्फ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, टोटल कॉस्ट आ गया 16,000। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये यूज़ किया, बट हमारा जो ये केस था पहला वाला, ये क्या था, 9 VCR किस पे सोल्ड करना था, लॉस पे। तो इसका मतलब इस वाले में कौन सा फार्मूला आएगा, ये वाला आएगा, CP माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP इक्वल टू SP, और इससे आप जो SP कैलकुलेट करेंगे उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए, इससे जो फर्स्ट VCR में SP आ रहा है वो आ रहा है आपका 7,680,
7680 ये आपका SPR है। इन द सेम वे सिमिलरली आपको दूसरे वाला जो प्रॉफिट पे हमने सेल किया है, देखिए टीवी को हमने प्रॉफिट पे सेल किया तो टीवी के लिए जो हमें फार्मूला यूज़ करना है वो ऊपर प्रॉफिट वाला यूज़ करना है। तो देखिए दोनों केस में हमें क्या निकालना है, SP ही निकलेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखिए CP दोनों का दिया हुआ था, CP दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो आपको दोनों से SP निकल आएगा। बाद में SP को प्लस कर देंगे, इसके बाद देखना है कि CP ज़्यादा है कि SP ज़्यादा है। अगर आपका SP ज़्यादा है CP से तो 100% प्रॉफिट ही होगा, और अगर आपका CP ज़्यादा हो जाता है SP से तो इसका मतलब आपको बिजनेस में लॉस हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। ये देखिए क्वेश्चन आपको इस वीडियो में जो मेथड दे रखा है ये यूनिटी मेथड है, आप जिसको अगर ये अच्छा लगता है तो इसे कर सकता है। देखिए प्रॉफिट पे SP कितना आ गया, 8640, ये इसका आ गया, ये टीवी का आ गया। तो देखिए बाद में हमने क्या किया, वही किया, टोटल SP ऐड कर दिया तो ये 16320 आता है। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर कर लिया, सिंस SP इज़ ग्रेटर देन CP, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट ही हो गया, 100% ये प्रॉफिट ही होगा क्योंकि SP CP से ज़्यादा है। तो वो प्रॉफिट हम यहाँ पे माइनस करके उसको निकाल लेते हैं, और प्रॉफिट निकालने के बाद ये प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एक चीज़ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताते हैं कि चाहे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या फिर लॉस परसेंट निकालना हो, उसमें हर केस में आपका नीचे जो आता है ना वो कॉस्ट प्राइस ही होती है, कॉस्ट प्राइस ही होता है इंटू 100 ये करना। अगर आपका लॉस परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट है तो भी कॉस्ट प्राइस है, और लॉस परसेंट है तो भी कॉस्ट प्राइस है। तो ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से आप कर लेंगे इसको, जो भी आपको मेथड सिंपल लगता है। बट आई थिंक जो हमने मेथड बताया हुआ उसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा CP और SP प्रॉफिट को उठाना है और कैलकुलेट करना है, क्योंकि आगे टैक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम उन्हीं दो फार्मूले से करने वाले हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उसी फार्मूले से इसको कैलकुलेट करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड टू शर्ट मार्क्ड एट ₹850 ईच। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिस्काउंट और मार्क प्राइस का क्वेश्चन है, और जैसे कि हमने बताया कि आपको ये भी उन्हीं फार्मूलों से आप कर सकते हैं। तो देखिए डिस्काउंट क्या होता है, देखिए डिस्काउंट को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं इस फार्मूले में, लॉस की तरह करते हैं, क्योंकि देखिए डिस्काउंट हमेशा माइनस किया जाता है, डिस्काउंट मीन्स माइनस हो जाना, माइनस हो जाना मीन्स वो लॉस हो जाना। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे, अभी जो दो फार्मूले बताए, CP माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP इक्वल टू SP। तो यहाँ पे देखिए CP की जगह क्या आ गया हमारा, CP की जगह जो मार्क प्राइस होता है, क्योंकि डिस्काउंट उसमें दिया जाएगा, लॉस की जगह क्या आ गया, डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस में दिया जाता है, जो मार्क प्राइस होता है, जो MRP होती है ना किसी आर्टिकल पे, उस पर हमेशा डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पे उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा, माइनस लॉस परसेंट की जगह क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, ऑफ CP था, CP की जगह हमने MP कर दिया है, ये मार्क प्राइस आ गया। फाइनली आपको इसमें भी सेलिंग प्राइस ही पूछा है, तो वो उसको कितना पे करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है इसमें। तो देखिए ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, इसी फार्मूले का यूज़ हमें करना है वहाँ पे। लेकिन देखिए जैसे दो शर्ट है वहाँ पे, तो पहले आप उनका टोटल मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, और एक साथ हम उनका डिस्काउंट दे सकते हैं।
देखिए उसको करने का तरीका ये है, जैसे चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए पहले हम देखेंगे वो आपने क्या क्या चीज़ परचेस की। तो पहला था पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स था और वो एक ही आर्टिकल था, 1450 का था इनटू वन, तो ये टोटल हमने 1450 50 ही दिया। दुकान वाले की तरह ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना। दूसरा क्या करना है, शर्ट, शर्ट था 850 का एक था और उसने दो शर्ट लिया है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1700 हो गया, ये 1700 हो गया। अब टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया, टोटल एमपी आपका कितना हो गया, मार्क प्राइस हो गया 0517411 3150 रुपीज़, ये आपका टोटल मार्क प्राइस हो गया। अब हम देखिए इसी में डिस्काउंट दे देते हैं एक साथ। तो जो हमारा फार्मूला क्या था, एमपी, तो जो हमारा तो यहाँ देखिए जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, एमपी माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी इक्वल टू एसपी, और एसपी हमें यहाँ निकालना है। तो एमपी हमारा कितना हो गया, 3150 माइनस डिस्काउंट परसेंट था 10% ऑफ 3150 इक्वल टू एसपी, तो ये आपका आ गया 3150 माइनस 10% इसका 10/100 into 3150। ये देखिए दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, अब सिर्फ आ गया 315 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे टोटल एसपी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं साइड में, यहाँ पे देखिए एसपी आ जाएगा हमारा 3150 में, यहाँ माइनस होगा 315, तो ये जो भी आएगा आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है, ये आपका कितना वो पे करेगा डिस्काउंट के बाद। तो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से किया गया है, डिस्काउंट अलग से निकाल लिया गया है, अलग अलग डिस्काउंट निकाला गया है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट हमने बहुत आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ मिल्क पैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच, ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन अदर अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में सीपी दिया हुआ था दोनों का और हमें एसपी निकालना था। यहाँ भी दो आर्टिकल ही हैं, दो आर्टिकल मीन्स दो बफेलोज ही है, तो उनका एसपी दिया हुआ है। देखिए यहाँ सोल्ड लिखा हुआ ना, इट मीन्स ये 20,000 एसपी है। इस बार हमें क्या करना है कि सीपी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सीपी निकालने के लिए हम उसी फार्मूले को यूज़ करते हैं जो सेम फार्मूला है। देखिए जैसे कि हमने पहले बताया कि टोटल सीपी और टोटल एसपी निकालना आपका यही टारगेट होता है इस क्वेश्चन में। तो देखिए पहला केस हम ले लेते हैं गेन वाला या प्रॉफिट वाला, इसमें प्रॉफिट पे तो वही फार्मूला यूज़ करते हैं, सी पी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी पी इक्वल टू एस पी, इसमें वैल्यू रख देते हैं। इस बार सी पी हमें निकालना, तो इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं और ये 5% गेन होता, तो 5/100 इंटू एक्स इक्वल टू एस पी आपका कितना था, 20,000, 20,000 था। तो अब देखिए यहाँ पे 5 से कैंसिल कर देते हैं, 20 आता है, 20 1 जाए 20, 20 को इस एक्स में मल्टीप्लाई करोगे एंड देन ये प्लस 1x आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20x + x 21/20x इक्वल टू 20,000, इतना आ जाता है 20,000, ये आ गया। इसके बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 20,000 इंटू 20/21। देखिए इसको कैंसिल करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है वो यहाँ से नीचे से देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो आपका सीपी है वो सीपी आ रहा है 19,400,
47 रुपीज़ 62 पाइस, ये आपका CPI आता है फर्स्ट बफेलो का। अब देखते हैं दूसरे बफेलो पे हमें क्या है लॉस होता है। तो देखिए बफेलो सोल्ड एट 10% लॉस, इसका भी हम CP फाइंड आउट करते हैं। सेम फार्मूला रहेगा यहाँ पे, देखिए लॉस का केस है तो आपका फार्मूला क्या आएगा, CP माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP इक्वल टू SP। तो यहाँ पे CP है हमारा X, लॉस है 10%, 10/100 इंटू X इक्वल टू 20,000, क्योंकि SP दोनों का 20,000 था। तो यहाँ देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 10 बन जाए 10X माइनस X, यहाँ देखिए माइनस है ना बीच में, तो ये आ जाएगा हमारा 9X बाई 10 इक्वल टू 20,000। अब यहाँ पे X की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 20,000 इंटू ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे 9 डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन के बाद जो यहाँ पे CP आता है वो बड़ा अच्छा नंबर है, 22,220 रुपीज़ और 22 पाइस, देखने में बहुत अच्छा नंबर है। तो ये आपका दूसरी बफेलो का CP आ जाता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों बफेलो के CP को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये आता है 41,269 रुपीज़ 84 पाइस। यहाँ देखते हैं कि CP इज़ ग्रेटर दैन SP, इट मीन्स ये लॉस हो जाता है, तो लॉस आपको फाइंड आउट करना था, ये लॉस निकाल लिया, यहाँ पे लॉस आ जाता है 1,269 रुपीज़ 84 पाइस। यहीं पे अगर इसका लॉस का परसेंट निकालना होता, जो कि अभी नहीं निकाला, लॉस परसेंट निकालते तो हम क्या करते हैं, इस पर लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये आपका फार्मूला यूज़ करके परसेंट में भी निकाला जा सकता। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।